पहला अवार्ड मुझे मिल रहा है आज, सॉरी, तो ये पहला अवार्ड बिग बॉस से निकलने के बाद मुझे मिल रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यूजुअली मुझे अवार्ड्स हमेशा कैमरे के पीछे काम करने के लिए मिले हैं, बेस्ट स्टोरी के लिए मिला होगा या बेस्ट शो के लिए मिला होगा, बेस्ट डायरेक्शन के लिए मिला होगा, तो ये वो मेरा पहला है जहाँ पर वो मुझे दे रहे हैं ऑन स्क्रीन कुछ ऐसा करने के लिए जहाँ मैंने ऑडियंसिस को एंटरटेन किया है, बहुत एक्साइटमेंट है। तो आई थिंक इट्स वेरी नाइस, और पहला अवार्ड हमेशा अच्छा लगता है किसी भी काम के लिए, सो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। हाँ, तो वो जो बड़ा कहना भी एकता ने नया स्टार्ट किया है, तो वुमेन इन ग्रीन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, तो सपोर्ट में जो ग्रीन नहीं मिल पाया, बट आई थॉट आर्मी से रिलेटेड कुछ करते हैं, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग शो आने वाला है टेस्ट केस, प्लीज़ वॉच इट, वुमेन इन द आर्मी एंड वॉट ऑल दे हैव टू गो थ्रू, इट्स सो डिफिकल्ट किसी भी फील्ड में एंटर करने के लिए, सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजन आई थॉट कुछ कनेक्शन से करने की कोशिश करता हूँ, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। A very very happy Republic Day to every one of you. जिसको Republic Day का मतलब नहीं मालूम अर्शी खान की तरह, उसके लिए बहुत important है समझे कि हमारा संविधान क्या है और वो हमें कितनी सारी चीज़ें available कराता है, तो वो knowledge होना बहुत ज़रूरी है। So I hope that everyone understands कि Republic Day हम क्यों मनाते हैं और उसकी वजह से हमें as Indians कितने फ़ायदे होते हैं और कितनी freedom मिलती है। Thank you.